आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनसुईया की कैनेडा वाली सहेली अनसुईया के घर आती है। अनसुईया अपनी देसी बहू मही को मेमसाब बनाना चाहती है ताकि उसकी सहेली पर पड़े उसका प्रभाव। अब ये प्रभाव पड़ता है या नहीं, क्या करती है मही, आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में। जस्सी डार्लिंग, कैसी हो? ओ, तुम कैनेडा से अहमदाबाद आ गई? 3-4 दिन मेरे घर आ रही हो रहने के लिए? आओ आओ, यू मोस्ट वेलकम। कब आ रही हो? कल। कम कम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हाँ हाँ, आजा आजा। बाय बाय डार्लिंग, बाय। वाओ, जस्सी आ रही है। बेटा जरा एक जगह पर खड़ी रहो, प्लीज बात करनी है। बेटा तुम बहुत दिनों से बोल रही थी ना, तुम्हें अपने गिरधर काका से मिलने जाना है ना, तो आज जाओ और 3-4 दिन वहीं पे रहना। हाँ, अच्छे से मिल के आओ। चलो बेटा आओ, जरा इधर आओ। मही को अपने गिरधर काका से बहुत दिनों से मिलना है, तो अभी निकल जाओ, शाम तक पहुँच जाओगे। मॉम, ऐसे अचानक? अपनों को अचानक सरप्राइज देने में जो मजा है ना, वो और किसी बात में नहीं है। किसकी हिम्मत हुई? ओहो, हटाओ। हेलो, हाय। ओह माय गॉड, जस्सी। हाउ आर यू? आई एम गुड, यू आर सो एलिगेंट नाउ आल्सो। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन जस्सी, तुम तो कल आने वाली थी ना? सरप्राइज। तुझे पता है ना, जस्सी को सरप्राइज देना कितना अच्छा लगता है। हाय गाइस, आई एम जस्सी फ्रॉम कनाडा, अनुज ओल्ड फ्रेंड। मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? ऑफ कोर्स कराऊंगी। इससे मिलो, मीट माय बड़ी बहू सोनिया। हेलो, नाइस नेम, थैंक यू। और ये है मेरा छोटा बेटा सागर। हेलो आंटी। डोंट कॉल मी आंटी प्लीज, कॉल मी जस्सी। एंड जस्सी, ये है योर कम वाली मेड, राइट? और जस्सी, ये मेरी छोटी बहू है मही। दरअसल वो हमारे आसपास एक अनाथ आश्रम है, तो अनाथ बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए हम एक नाटक कर रहे हैं जिसमें मही काम वाली का किरदार निभा रही है, इसलिए ऐसे कपड़े पहने हैं। ओह, ये बात है, मुझे लगा कि यू नो। नहीं, मही मही इज वेरी स्मार्ट। जस्सी, तुम थक गई होगी ना, फ्रेश होना होगा, राइट? बहुत गर्मी है यहाँ पे। आप ना जस्सी मैडम को गेस्ट रूम में लेके जाओ। बी कंफर्टेबल, आई विल सी यू। वाओ जस्सी। सुषमा, ये आश्रम के बच्चों वाला नाटक, ये सब क्या है? मेरी नाक काटे से बचाने के लिए करना पड़ा मुझे ये, ये ये सब मत करना। दरअसल मैंने मेरी दोस्त जस्सी को कहा है कि मेरी दोनों बहुएं मॉडर्न एलीट क्लासी हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम देसी हो। सो मही प्लीज, भगवान के लिए जब तक जस्सी घर में है 3-4 दिन तक तुम अपनी चपड़ 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 बंद रखना। हाँ, और ये जो कंदिल बन के घूम रही हो, ये कपड़े जरा ठीक से पहना, सलीके से पेश आना, और हो सके तो मुंह बंद ही रखना। सो प्लीज प्लीज, जब तक जस्सी घर पे है तब तक संभाल लेना। सुषमा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी नाक कटने नहीं दूंगी। सोनिया डार्लिंग, प्लीज एक काम करो, इस कंदिल को लेके जाओ, और हाँ नहीं बेटा, प्लीज कपड़े चेंज कर लो। हाँ मेरी जस्सी डार्लिंग। मही, मैं तुम्हारे लिए मस्त मॉडर्न साड़ी अरेंज करती हूँ, तब तक तुम मेरे हाथी के दांत साफ कर दो ना प्लीज। ये लो। ए बेबली, ये क्या, तुम्हें अनसुईया को मना कर देना चाहिए था ना, देसी होना गुनाह है, ऐब है। अरे, जो जैसा है वैसा ही लोगों के सामने पेश आना चाहिए, और तुझे इसमें अनसुईया का साथ नहीं देना चाहिए था। दादी सास, सिर्फ 2-3 दिन की ही बात है, और मैंने तो सासुमा से वादा भी किया है
कि मैं उनकी नाक कटने नहीं दूंगी। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना, और मुझे भी अपना बहु धर्म तो निभाना पड़ेगा। ठीक है मेरी भोली बेबली, अनुसुया ने तो अपना सास धर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया, लेकिन तू अपना बहु धर्म निभा और जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी अपना दादी सास धर्म निभाने। सागर भैया ये देखिए आपकी मही नए अवतार में। माइंड ब्लोइंग। ये बात हुई ना मही, अब लग रही हो तुम फाइन फैंटास्टिक टॉप टू बॉटम। सागर जी अभी वो मॉडर्न मैम की तरह मुझे फटाफट अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा सिखाओगे तो भी चलेगा। मही डोंट वरी। वाह 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 बेबली, क्या लग रही है तू, एकदम फुल फटा। अरे वाह मही, पर मही थैंक यू नहीं, थैंक यू तू नहीं, यू। याद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। हाय इतना सारा एक साथ। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग। अरे ये अंग्रेज क्यों आ गए थे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए, हिंदुस्तानी के दिमाग का दही करके गए। लीजिए मैडम जी, पावना के हाथ का बना हुआ फाफड़ा खाइए, तबीयत फड़फड़ा जाएगी। लीजिए। क्या तुम अहमदाबाद छोड़ के कनाडा आओगे? हमको बड़ा मजा आएगा, इस बात पे हम आपको मुंह मीठा करते हैं, लड्डू बनाए के लाते हैं। He's so sweet. Hi Jessie auntie. Hi. Can I have a sandwich? Oh yes, why not? My pleasure. Wow. अब मैं मस्त बढ़िया सा स्टेटस रखूंगी। By the way, क्या स्टेटस रखोगी? सेल्फी विद गोल मटोल गुलाब जामुन और गोल मटोल गुलाब जामुन जैसी गोल मटोल जैसी आंटी। गुड आफ्टरनून मही। मही इतने बड़े गुड आफ्टरनून का जवाब सिर्फ एक स्माइल? मही बेटा जैसे आंटी को ग्रीट करो, गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून नून नून इंजॉय योर डिनर। व्हाट डिनर जोक। अच्छा तो मेरी दोनों बहुएं इतनी हंसमुख सेंसिटिव। बचपन में हमने सुना था, तब से चलता आ रहा है कि घर में मेहमान आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और नौकर आता है और खाना देता है और कहता है कि ये लीजिए डिनर खाइए। तो मेहमान कहते हैं कि नहीं नहीं सुबह जो खाना खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, डिनर नहीं। उसके ऊपर नौकर कहता है कि मैडम जी ये तो कल रात का ही डिनर दिया है ब्रेकफास्ट में, इसलिए डिनर। यू मीन ये कल रात का? हाँ हाँ ये ताजा है ना, वही जोक था ना। या 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 ये एकदम 100 पेशेंट रेट। बस कर मही बेबली, तू कम लोचा मार नहीं तो तेरी सास को अभी कभी इधर दिल का दौरा पड़ जाएगा। 100% वाइट। जैसी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहू चेरी भी आने वाली है। सरप्राइज। हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच जैसी। जैसी? ओह यस अनु, एक्चुअली मेरी बहू मुझे नाम से ही बुलाती है, बिकॉज यू नो एज का पता नहीं चलता है और हमेशा जवान जवान फील करते हैं हम, दैट्स व्हाई। दादी सास, ऐसे मॉडर्न बहुएं अपनी सास को नाम से बुलाती है? तू भी अब इसको अनुसिया बोल। इन अब अपना मुझसे नहीं होगा।
ए बोल दे जल्दी उसको अनुसुया बोल, नहीं तो वो जो गुलाम जामुन बैठी है ना जाड़ू, उसकी थाली में उलट पलट कर दूंगी। बोल अनुसुया। नहीं नहीं सोच नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। बोल दे। अच्छा ठीक है ठीक है। अनुसुया जी। ए क्या कर रही अनुसुया जी? क्या है अनुसुया? बोल अनुसुया। नहीं रहने दे अनुसुया भी नहीं, अनु बोल अनु। हाँ उसने जसविंदर का जस्सी बना दिया, तू अनुसुया का अनु। बोल बोल जमा दो जमा दो। बोल रखा तो बोल अनु। यस माय डार्लिंग। बोलो पढ़ रही है बेबली, बंद कर बंद कर। वैसे भी आज शाम शंकर भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। एंजॉय। ये आपकी बहू गलत अंग्रेजी बोल रही है। अब वो मैंने बताया था ना कि अनाथ आश्रम के लिए नाटक की प्रैक्टिस। ओहो उसके सामने नहीं बता था ना। वो एक नाटक की प्रैक्टिस कर रही है, उसमें वो ऐसे किरदार निभा रही है जो गलत अंग्रेजी में बात करता है, तो उसकी प्रैक्टिस कर रही है यार। हे चरण चरण मारी स्त्री फरे, चरण चरण मारी स्त्री फरे, चकड़ूम जी अदर Check on a jail, one of the hill. वो तुम जो गलत अंग्रेजी बोलने वाली कामवाली भाई का रोल प्ले कर रही हो, इसीलिए ऐसे गा रही हो ना? Yeah, yeah, yeah. Oh my God, इतने सारे कपड़े तुम अकेले अरेंज कर रही हो? तो अरे उसमें क्या बड़ी बात है, थोड़े कपड़े सागर जी के, मेरे कपड़े सोनिया भाभी ससुमा रोहित भैया सबके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, एकदम रप रप हो जाता है। इतनी रात हो चुकी है और तुम इतना सारा काम करती हो, घर की साफ सफाई करती हो, अपने पति की पर्सनल चीजों का ध्यान रखती हो, सासुमा की पर्सनल चीजों का ध्यान रखती हो, कुक होने के बाद भी खुद खाना पकाती हो। यू नो हमारे यहाँ तो वैसा बिल्कुल नहीं होता, हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का काम बांट लेते हैं। अगर मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाया तो उसे डिनर बनाने के लिए बोलती हूँ। ऐसे भावनाओं में बहकर परिवार वालों के लिए इतना सारा काम करना इज जस्ट लाइक मजदूरी एंड मूर्खता, मैं तो यही मानती हूँ। और ये सब सिर्फ कोई हिंदुस्तानी बहू ही कर सकती है। ना ना चेरीबेन, अरे परिवार वालों के लिए सारा दिन काम करना उसे कोई मजदूरी या मूर्खता नहीं कहते, उसे उनके प्रति अपना प्यार कहते हैं, ख्याल रखना कहते हैं, और ये तो हर हिंदुस्तानी बहू करती है। आपको पता है घर में काम वाली बाई हो, खाना बनाने वाले महाराज हो, फिर भी हर काम में अपना योगदान देकर उस काम को पूर्णता के सिरे तक पहुंचाती है बहू। और आपको पता है कई हिंदुस्तानी बहुएं नौकरी पर भी जाती है, लेकिन नौकरी पर जाने से पहले और नौकरी से आने के बाद वो अपने पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और उन्हें खिलाती भी है, और फिर पति बच्चे सास ससुर उनके चेहरे पर जो मुस्कान छलकती है उसे देखकर बहू खुश खुशहाल हो जाती है, उसे लगता है कि उसने अपना बहू धर्म बहुत अच्छे से निभाया, उसका जोश बढ़ जाता है। और हाँ सास से मिलने वाले प्रोत्साहन के दो शब्द सुनकर बहू की पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। Wait, 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 तुमने तो मेरा परिवार प्यारा परिवार पे भरा पूरा ऐसे ही सुना दिया। Oh my God, मैं तो इन सब बातों में नहीं मानती। You just continue. ये हो गया डोर। Wow! बहुत खूब जस्सी, I mean very good जस्सी, very good लस्सी। मतलब लस्सी बहुत अच्छी है, लस्सी लेंगे जस्सी जी? No, actually, ice cream. Okay. हाँ हाँ, या 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 या। चेरीमेन, your husband
फोन कॉलिंग यू अपने अच्छा एक मिनट आपके हशमुन का फोन आया है हाउ डे यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की शांति चैरी बेन वो क्या था ना अब जब मेरे कमरे में आई थी तो आप अपना फोन वहीं भूल गई थी कब से बज रहा था आपका फोन तो उठा लिया कब से बज रहा था तो किसी का भी फोन उठा लोगे तुम कैसी इंसान हो तुम यार इतनी भी मैनर्स नहीं है तुम्हें अब एक मिनट चेरी एक्सक्यूज मी अनु चेरी एकदम सही बोल रही है ऐसे कोई किसी का फोन थोड़ी ना उठा लेता है नॉट डन अंडरस्टैंड जैसी मुझे पता है ये गलत है लेकिन जो भी है ये बिल्कुल मैनरलेस बात है यस इट इज अरे वो भजन गा रही थी और कितना ब्यूटीफुली सिंग कर रही थी भक्ति ही करनी है तो अपने मन में करो ना इतना चिल्ला चिल्ला के गाने की क्या जरूरत है चेरी भजन गाने से जो उसके शब्दों के उच्चार निकलते हैं उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है सही कहा जैसी मासी ने हम जो भजन गाते हैं वो भगवान सुनते भी हैं सही कहा जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड शट अप यू अनपढ़ गवार कहीं की Stop it, Cherry. Behave yourself. आप इसकी वजह से मुझसे इतने ऊंचे आवाज में बात कर रही है? चुप करो. Stop it, Jessie. बेटा. Jessie मासी, क्या हो रहा है आपको? मुझे बहुत दर्द हो रहा है. मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. Cherry बहन, ये देखिए ना इनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है. ठीक हो जाएगी. Don't worry. अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी कुछ करना पड़ेगा ना तभी तो ठीक होगी मुझे बहुत लेट हो रहा है मेरी फ्रेंड से एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मिलने जाना है चेरी चेरी प्लीज रुक जा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं भी घर में अकेली है तो बुलाओ ना अपने भगवान को ये कह रही थी ना कि उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो सुन लेते राइट और तभी तो तुम भी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी मैं जा रही हूँ अरे पर मुझे बहुत दर्द हो रही है प्लीज डॉक्टर को बुलाओ मेरी भगवान ये डॉक्टर साहब का फोन नहीं लग रहा सागर जी मेरी बात सुनिए सासुमा मेरी बात सुनिए हाँ ठीक है ये भगवान कहीं ने दिल का दौरा तो नहीं पड़ा ना हम बीमा सब संभाल लीजिए प्लीज जैसी मासी सब ठीक हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए ओ तानसेन की माता तू तानसेन क्यों ले रही है अरे इसको दिल का दौरा नहीं पड़ा है वायुघात हुआ है अरे गैस हुआ है गैस अरे डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन का बटन मत दबा गैस का बटन दबा और अजवाइन को सेक उस पे और ये गुलाब जामुन को खिला दे वो लड्डू बन जाएगी मैं बैठती हूँ इसके पास तू जा अरे शांत हो जा रोलू कुछ नहीं होगा गैस है आंटी आप ठीक है ऑफ कोर्स पर मही तुमने तो फोन किया था ना कि जस्सी आंटी की तबीयत
हाँ हाँ थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सागर जी अब जैसी मासी एकदम तबला तोड़ हो गई है। थैंक गॉड। जैसी कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ सासू माँ, जैसी मासी एकदम ढिंचाक और मस्त हो गई अब। मैं ये क्या मजाक है, तुमने तो मुझे फोन करके ये कहा कि जस्सी की तबीयत एकदम खराब हो गई है। हाँ हाँ तबीयत बहुत खराब थी, फिर तेरी प्यारी सी बहू मही ने मेरा इतना ख्याल रखा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गुलाब जामुन अब लड्डू बन गया है मही की वजह से। अनु जिस मॉडर्न बहू पे मुझे इतना नाज था वो मुझे ऐसे दर्द में रोते बिलखते हुए छोड़ के चली गई, पर ये तेरी देसी होशियार बहू ने मुझे संभाला और मुझे ठीक किया। जस्सी नहीं नहीं मही देसी नहीं है, वो तो नाटक में मैंने बताया ना किरदार। बस अनु बस, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। और तुझे ना इस देसी होशियार प्यारी सी बहू पे ना शर्मिंदगी नहीं फक्र महसूस होना चाहिए। सही कह रही है ये गुलाब जामुन, कई लोग समाज में अपनी शान प्रतिष्ठा बनी रहे और लोगों के सामने अपनी नाक ना कटे उसकी वजह से अपने आप को और अपनों को बदल के लोगों के सामने पेश करते हैं। बेबली ये तेरी सास ने तुझे बदल के मेरी बहू मॉडर्न है ऐसे पेश किया, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई बेटे हैं जो अपने सीधे सादे माँ बाप को बदल के पेश करते हैं। अरे जो जैसा है उसी में उसकी सुंदरता है, गरिमा है। गुलाब का फूल तो हमेशा गुलाबी रहता है। शशमा, अभी जस्सी मासी ने जो मेरे लिए कहा ना वो आप भी कह दीजिए प्लीज। हाँ हाँ मुझे मेरी मही बहू पर फक्र है। ओ